लेकिन 3 दिन वाले खाली कर रहे हैं, पूरा पूरा खाली। आप लोग कितना दिन से आप लोग? 7 रोज से सर, 24 तारीख। 24 तारीख समय है, 24 तारीख 24 तारीख का है। 1000 रुपया रोज गाड़ी के ले रहा था। तो ये इन्होंने बोला कितना दिन? 3 दिन 3 दिन से। 5 दिन से। नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं बेगूसराय के खुदावंतपुर प्रखंड में। खुदावंतपुर प्रखंड के दौलतपुर पेट्रोल पंप है और दौलतपुर पेट्रोल पंप के पास एक कॉल स्टोर है। उस कॉल स्टोर का नाम है सुलेना कॉल स्टोर, जहां पे अभी लगभग आप देख रहे होंगे हमारे पीछे और इधर भी आप देख रहे होंगे करीब 100 से प्लस गाड़ी लगा हुआ है। और गाड़ी कितना दिन से लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ये हम आपको बात करके दिखाते हैं। यहाँ के जो ड्राइवर हैं, जो किसान हैं, एक बात हम आपको और बताते चले, क्या कि मतलब जो किसान हमको बोले कि एक गाड़ी पे लगभग 70 प्लस बोरा रखा हुआ है और कॉल स्टोर से आदेश आया है कि एक गाड़ी से सिर्फ 50 बोरा ही लिया जाएगा, एक गाड़ी से सिर्फ 50 बोरा लिया जाएगा। अगर गाड़ी में जितना आलू है किसान कितना खाएगा? किसान बहुत खाएगा, 2 बोरा खाएगा, कैसे बेचेगा? किसान घाटा लगा के तो नहीं बेच सकता है, आलू और सरा के फेंक सकता है। कुछ दिन पहले तो किसान को प्राकृतिक ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया, पानी जहाँ पानी नहीं लगना चाहिए था वहाँ पानी लगा। उससे पहले किसान को फिर जाके प्राकृतिक ने धोखा दिया कि सुखाड़ हो गया था, पानी के लिए किसान परेशान था। और फिलहाल ही कुछ ही दिन का बात है लगभग 2 या 1 महीना का, खाद के लिए किसान को किल्लत पड़ गया, खाद नहीं मिल रहा था, खाद भी ब्लैक से मिल रहा था। ये हम नहीं बोल रहे, किसान यहाँ का बोल रहे हैं। आइए यहाँ के किसान से हम आपको कुछ बात करके बताते हैं। आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है लालू पासवान जी। कहाँ आपका घर है? मेरा घर हुआ तालेगरा खानपुर प्रखंड भोरे जारम पंचायत। अभी आप जो यहाँ हैं कितना दिन से यहाँ? ये हम है 25 तारीख से। 25 तारीख जी सर। तो 25 तारीख से कितना गाड़ी आपका है, क्या गाड़ी लेके आए? नहीं, गाड़ी तो हमारा पास में जो है किसाने का माल है, हम रखे हुए अपना किसाने हैं, तो 107 बोरा रखे हुए बीज का लिए। जी सर। उसमें खाना नहीं है, सिर्फ बोना है? जी हाँ, खाना नहीं, बोने का लिए सब रखे किसान लोग, हम लोग मिल करके रखे हुए सर। अभी तक आपका जमा क्यों नहीं हुआ है? नहीं हुआ है जो सर, जो है से कहा है कि पूरा भरा हुआ है, भर गया, घुमा के ले जाओ, ये करो वो करो। अभी बोल रहा है कि अब आ गए हैं तो हम 50 बोरी उतार लेंगे। अब मान लीजिए सर 5-7 आदमी किसान की है, 50 बोरी उतरेगा और कहीं नहीं उतरेगा तो झंझट पैदा लेगा। और जैसे 50 बोरी आलू आपका ले लिए ना, अब वो जो आलू बचा वो क्या कीजिएगा फिर? क्या करेंगे सर, वो तो जो है से जाते जाते तो बर्बाद ही ना हो जाएगा वो। अभी तक ये बताइए हमको, आपका आलू मतलब कुछ सरा भी है? कुछ सरा? जी नहीं, सरा तो नहीं अभी है, बचा हुआ सर। लगभग कितना दिन में सर जाएगा ऐसे? अगर ऐसे रहेगा तो, ऐसे रहेगा तो 10-15 दिन में गुआ बन जाएगा सर। आप देख रहे होंगे रस निकल रहा है, इन दिल से आप अगर समझिएगा तो आप भी ये बात को समझ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे और आदमी है, इनसे बात करके दिखाते हैं। अपना नाम बताइए। अरुण कुमार। आपका भी गाड़ी लगा हुआ है? जी मेरा भी गाड़ी लगा हुआ है। कितना गाड़ी लगा हुआ है हमारा? वो तो पहले 100 के आसपास था, अभी 40-45 गाड़ी के पीछे है। तब बोरा कितना है आपका? बोरा है 132। 132 बोरा जी। आपके अपना खेत में हुआ कि किसी और से लाए हैं? नहीं नहीं, अपना ही खेत में हुआ और 30-40 किसान भी दिया है, साथ में सब किसान का लाए हैं। एक बात और बताइए, जैसे अभी आलू आपका जमा नहीं हो रहा है ना, इससे बताइए सब उसमें कितना क्षति हुआ आपका? उसमें तो क्षति हुआ जो पिस्ता करना पड़ा खेती, आलू की उपज भी कम हुआ, उपज कम हुआ। और ये यहाँ का जो था वो जो है ना पहले पहुँच गया था पुर्जी, आलू तो लेट से हुआ। पुर्जी दिखाइए तो, आप अपना जो रसीद काट के दिया था वो दिखाइए। ये पुर्जी है ना, ये पहले पहुँच गया। आप देख रहे होंगे हमारा जो है ना आलू, इसके इस डेट के बाद हम आलू खुलवे किए। जैसे यहाँ पे आप लिखा हुआ है माल लाने की तारीख 9/3/2022 है, ये तो अपने हिसाब से कर दिए। हमसे पूछे ना जो हमारा आलू कब तैयार होगा, तो उसके बाद आप यहाँ पूछे ना उनको, जब आप कॉल करके खुद हमको बोले कि इतना तारीख को कॉल किया आलू लेकर आवे, बोले ठीक है आइए आलू लेकर। वो अभी भी कॉल किए थे, आज से 2-4 दिन पहले कॉल किए थे तो फिर भी मना नहीं किया गया। जुम्मा के लिए आप आइए और नंबर में लगाइए, नंबर से आइए। रिकॉर्ड है हमारा पास। यहाँ मेन बात देखिए यहाँ पे खुल रहा है, ये बोल रहे हैं हम जो बात यहाँ से किए हैं, मुंशी हो चाहे जो हो उनके पास रिकॉर्ड है, तो इनसे हम बात करके। आप अपना नाम पहले बताइए। राम सुजन महतो हुआ, ढट्ठा घर हुआ। ढट्ठा घर हुआ, हाँ। आप कितना दिन से यहाँ बैठे हुए हैं सर? 25 तारीख का है, 25 तारीख से लाइन में है। 25 तारीख से लाइन में, हाँ। सड़क पर से हट जाइए, थोड़ा गाड़ी दिक्कत हुआ जाने में। रिकॉर्डिंग हमारा मोबाइल में है। हम आपको रिकॉर्डर का नाम क्या है? सुलेना कॉल स्टोर। और ये हम आपको बता नहीं सकते हैं, और यहाँ के किसान पे क्या गुजर रहा है अभी ये आप खुद जान सकते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें और कमेंट में आप अपना जवाब ज़रूर दें, इनके साथ क्या किया जाए, ये किसान जितना भी बेचैन हो रहे हैं इनके साथ क्या किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को आप शेयर कीजिए और हमारा यही उद्देश्य अभी है कि ये वीडियो हमारे होनहार मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए, जो लगभग आज से कुछ दिन तो है पुर्जा जो बना था 16 तारीख को पुर्जा बना है, 15 तारीख को गरीब पिछाम लग गया था, जो 17 तारीख को जो होली है माने 18 तारीख का होली था, 17 तारीख को पुर्जा लग गया था पीछे में, 23 तारीख को कॉल स्टोर खुलेगा सर, 15 तारीख को पुर्जा लगा, 16 तारीख का पुर्जा बना, तब हम फोन किए हैं 20 तारीख को तो बोले कि सर आपको आना है तो 25-26 तारीख का ये हमारा मोबाइल में इनका रिकॉर्ड है, अरुण जी का रिकॉर्ड है हमारा मोबाइल में। अरुण जी कौन हुए? वही अभी जो गए हैं इनका हमारा रिकॉर्ड है, जो है मैनेजर है यहाँ का मैनेजर है, उनको हम कॉल किए हैं तो वो बोले हैं 25 तारीख को लाइन में लगे हैं, और तब कहते हैं कि अभी अब 50 को बोरा लेंगे, हमारा गरीब पर 155 बोरा लोड है और 210 बोरा पैकेट का बना हुआ है पुर्जा, उसको देखिए आप पुर्जा तो आप देख ही लिया, और इन्होंने बोला कॉल जो ये रिकॉर्ड करके उनका रखे थे। और यहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे खाना पीना का क्या आपका? खाना पीना होटले खाते हैं। ये जो गाड़ी लेके आए इसमें कितना खर्चा लग रहा है प्रत्येक दिन? प्रत्येक दिन में 1000 रुपया लग रहा है। जैसे अभी 8 दिन हो गया, आपका 8000 लग गया होगा? हाँ लग जाएगा। ये रुपया कहाँ से आएगा फिर? वही किसाने से लेंगे हम तो, अगर मान लीजिए जो गाड़ी हम गाड़ी करके लाए हैं अपना गाड़ी, अगर नहीं हम गाड़ी करके लाए तो 1000 रुपया रोज पे 2000 रुपया किराया लिया है। जैसे ऊपर से खाना यहाँ पे अभी जो आए थे वो बोले हमको कि मतलब 50 बोरा लेने के लिए सुबह में मीटिंग चला था सर, वो हमको नहीं पता, किन्हीं को पता है मीटिंग चला? हाँ मीटिंग चला था। आप लोग एक्सेप्ट किए तब ना 50 बोरा उतरवा रहे हैं? हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए, बहुत आदमी तो ऐसा बोला ऐसा नहीं होगा, जो दो चार को किसान था जो व्यापारी था जिसका अपना आलू है 200-300 बोरा है वो हाँ कर दिया, सिर्फ व्यापारी का आलू जमा किया गया? हाँ व्यापारी का आलू जमा किया गया। आपका नाम क्या है? त्रिवेणी साहब 12। आइए हम फिर इनसे बात करके दिखा रहे हैं, अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम श्रवण कुमार यादव है, घर तो सर हसनपुर से 15 किलोमीटर दूरी जो है सो लरझा घाट से पूरा पड़ता है, यहाँ से कितना किलोमीटर? यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर। जी कितना दिन से आप यहाँ पे बैठे हुए? हम 4 दिन से। क्या कुछ फीलिंग लग रहा है? ओ जितना पीछे है सर, वहीं परे के परे 4 दिन से जहाँ लगे वहीं परे हुए। आपका सारा काम तो बंद होगा? जी बिल्कुल बंद है, घर पे अभी तो बहुत ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी काम है सर, यहाँ होटल में बैठ करके खाना खाते हैं। इसमें देखिए हम जाके अभी बात करेंगे कॉल स्टोर में जो हैं उनसे, हम जाके बात करते हैं, अगर हमसे जहाँ तक संभव हो सके हम करेंगे आप लोग का हेल्प। सर जी एक बात मेरी सुनिए, इस लाइन का जो है एक भी काम 4-5 दिन से हो ही नहीं रहा, और छोटी गाड़ी से जो है सो अंदरे अंदरे घुसवा करके वो लोग अपना कोटा जो है सो पूरा करते जाता है, और इन लोगों को थेसिस दे दिया जाता है कि सुबह 50 से 55 नहीं लेंगे। एक बात बताए हमको, आप लोग को ये मतलब कोई आया भी बताने के लिए कि आप इतना पैसा दीजिए आपका गाड़ी हम अंदर करवा देंगे? जी नहीं, हम लोगों को तो नहीं आया है, लेकिन उधर जो है छोटी गाड़ी से क्या कैसे क्या सिस्टम से करता है वो लोग, देखिए अभी भी सर वहाँ पहुँच करके देखिए छोटी गाड़ी सबको जो है सो खाली कर रहा है, अभी गया उसको भी आ 1 घंटा के बाद आएगा उसको भी, और ये जो 8 दिन से खड़ी है ये गाड़ी सब, इसके लिए कोई सोच फिक्र नहीं है। देखिए अभी के समय में जितना स्टोर के जो हैं जो होंगे वहाँ पे मुंशी हो चाहे जो हो उनसे हम बात करके आपको फिर से हम बताते हैं। सर जी आप जरा सोचिए 8 दिन से जो इंसान इस बोरा पर सोता होगा, आप आधा घंटा इस पर लेट करके देखिए क्या दशा आपको गुजरता होगा। सही बात है, गुजरेगा। चलिए बात करके हम आपको दिखाते हैं, 8 दिन से इस पर सोता है उसका क्या दशा गुजरता होगा। ठीक है चलिए वहाँ पे चलिए हम बात करते हैं उन लोग।